दोस्तों ये सारे सांप मिलकर इस छिपकली के पीछे पड़ जाते हैं। फिर ये छिपकली पूरी जी जान लगाकर भागने लगती है। तभी चारों ओर से और भी ज्यादा सांप इस छिपकली को खाने के लिए इसके पीछे लग जाते हैं और ये अकेली छिपकली लगातार अपनी जान बचाने के लिए भागती रहती है। लेकिन तभी एक सांप इसे पकड़ लेता है। फिर बाकी सांप भी मिलकर इसे खाने की कोशिश करते हैं पर ये जाबाज छिपकली हार नहीं मानती। फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर इन सांपों की चंगुल से निकलकर फिर से भागने लगती है और उसके रास्ते में आने वाले सारे मुश्किलों को पार करके वो भागती रहती है। फिर आखिरकार इतनी सारी मुश्किलों का सामना कर छिपकली अपनी माँ के पास आती है और खुद की जान बचा ही लेती है।